मॉम, इस ट्रिप को लेके मैं बहुत एक्साइटेड हूँ. मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ. लीजिए, प्रीता भी आ गई. प्रीता, इधर आप उतर, जल्दी 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 जल्दी. सुन, तूने मुझे मेरा बचपन याद दिला दिया. अब मुझे बचपन की लत लग गई है. मुझे फिर से बचपन जीना है. तो जियो ना, पर कैसे? आप बताइए क्या करें. मॉम ने लुनाला जाने के लिए बस हायर की है. हाँ. मैंने क्या सोचा है कि हम सब ऐसे गाड़ी में अलग अलग नहीं जाएंगे, हम सब मिलके बस में जाएंगे. क्यों? ठीक है, ठीक है. हाँ. मुझे तो ठीक लग रहा है. मामी जी, हम बस में नहीं जा सकते. प्रीता प्रेग्नेंट है ना, और इस हालत में इसका बस में सफर करना सही नहीं होगा. मम्मी जी. ओ हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं. मम्मी जी, एक बात कहूँ, बुरा मत मानिएगा. अब से हम जो भी करेंगे, जहाँ भी जाएंगे, प्रीता की हालत को ध्यान में रखते हुए करेंगे सब कुछ. वैसे तो 3 महीने बड़े रिस्की होते हैं, लेकिन तू डॉक्टर से बात करना, पूछ तू सफर कर सकती है या नहीं. और हाँ, डॉक्टर से ये भी पूछना कि तुम क्या खा सकती हो, क्या नहीं खा सकती हो, क्या कर सकती हो, क्या नहीं कर सकती हो. इन शॉर्ट, ऑल डूज एंड डोंट. ओके, एग्जैक्ट. ओके. लेकिन करीना दी, हमें इतनी जल्दी डॉक्टर की अपॉइंटमेंट कैसे मिलेगी? राखी माँ, आप टेंशन मत लीजिए, डॉक्टर की अपॉइंटमेंट मैंने लेके रखी हुई है, कल ही की. गुड. तो फिर डॉक्टर से पूछना कि तू सफर कर सकती है या नहीं कर सकती बस में. अगर उसने कहा कि नहीं नहीं कर सकती, फिर तू गाड़ी में आ जाना, हम लोग सब बस में आएंगे, नाचते गाते घूमते मजा करते हुए. अच्छा, सारा मजा आपको आए, मुझे कोई मजा नहीं आया. मैं भी बस में ही जाऊंगी सबके साथ, नाचते गाते पहुंचेंगे वो सोनाक्षी की शादी में. ठीक है, फिर हम तेरा ख्याल रखेंगे वहाँ. हाँ ठीक है. आज तुम्हारी वजह से मुझे पिता के सामने झुकना पड़ा. आज से तुम्हारा और मेरा रिश्ता इट्स ओवर. अरे पागल मत बनो, ये क्या बकवास किए जा रही हो? तुम नाटक करने की कोशिश मत करो, तुम्हें बहुत अच्छे से पता है मैं क्या बोलना चाहती हूँ. मैंने विश्वास करके तुम्हें बताया कि मैं प्रीता के साथ क्या करने वाली हूँ. तुमने कृतिका को बता दिया, कृतिका ने सृष्टि को बताया, सृष्टि की वजह से प्रीता को पता चल गया. तुमने मुझे धोखा दिया. You know what? तुम प्रीता से बहुत प्यार करते हो ना, तो आज से प्रीता के आगे पीछे घूमो, प्रीता प्रीता करके पागल खाने पहुंच जाओ, ढोल नगाड़े बजाओ. आई केयर अ डैम. आज से तुम मेरे लिए सिर्फ और सिर्फ कृतिका के हस्बैंड हो, और मैं तुम्हारे लिए ऋषभ दूथरा की वाइफ. अरे ये क्या बोले जा रही हो, एक बार मेरी बात तो सुनो. पृथ्वी, ये जो तुम्हारे डायलॉग बाजी है ना, चिकनी चुपड़ी बातें, मुझसे करना बंद करो. मैं तुम्हारी बातों में नहीं आने वाली. मैंने कह दिया, आज से तुम्हारा और मेरा रिश्ता इट्स ओवर. कैसी बात कर रही हो? ठंडे दिमाग से सोचो. मैं तुम्हारा पुन्नू बेबी हूँ, तुम्हारा पुन्नू बेबी. पुन्नू बेबी थे. हर एक रिलेशनशिप की एक्सपायरी डेट होती है. तुम्हारे और मेरे रिलेशनशिप की एक्सपायरी डेट भी आ गई है. यू डोंट एग्जिस्ट फॉर मी प्रीति, यू डोंट एग्जिस्ट. लिसन बेबी, बेबी, हेलो हेलो. मेरी बेटी के लिए जो लड्डू बनाने थे ना, वो बन गए. सच में प्रीता खाएगी ना तो खुश हो जाएगी. बहन जी, आप तैयार होके कहाँ जा रहे हो? मनु बताया भी नहीं. हाँ, मैंने तुझे कहा था ना, प्रीता के लिए लड्डू बना रही हूँ. अगर बन जाएंगे ना, तो जाकर उसके घर दे आऊंगी उसे. मैं तैयार हूँ, लेट्स गो. चलो चलो चलो. चल चल, बस लड्डू इस डब्बे में डाल लूँ ना, फिर चलते हैं. हाय हाय, मेरे साथ इतना बड़ा भेदभाव. हाँ, दोनों रड्डी शड्डी हो गई हो और मुझे बताया तक नहीं. अरे आपको अंग्रेजी फिल्म देखने से फुर्सत मिले तो बताएंगे ना. जाइए, आप देखिए अपनी फिल्में. तो बता दिया है ना. और छोटी, तू ना मेरे से जलसी ना कर. हाँ, मैं अंग्रेजी पिक्चर देखती हूँ, अगर तुझे भी देखनी है ना तो तू मेरे साथ बैठ जाया कर. और तुझे अगर ना समझ में आए ना तो मुझे पूछ लेना किसने किसको क्या बोला. अब मैनू 2 मिनट दे, मैं हुने आई. मैं सच बता रही हूँ, मैं ना केबल कनेक्शन ही कटवा दूंगी. अरे अंग्रेजी फिल्में देखती है, मतलब अंग्रेजी में बोलने की कोशिश करती रहती है, गलत सलत कुछ भी, सबको चाहती है कि अंग्रेजी में बात करे. अरे मामा, उनको अंग्रेजी फिल्में देखने तो देखने दीजिए ना, एंजॉय करने दीजिए ना, हमें क्या. वैसे एक लड्डू तो. क्या माँ, आपका प्यार मेरे लिए फिर से खत्म हो गया क्या? नहीं, प्यार खत्म नहीं हुआ है. वो क्या है ना कि ये जो लड्डू है ना, ये खास मैंने प्रीता के लिए बनाए. क्या है ना, जब बेटी माँ बनने वाली होती है तो उसे बहुत जरूरत होती है ऐसे लड्डुओं की, ताकि उसका आने वाला नन्ना मुन्ना और उसके तो 2 आने वाले नन्ने मुन्ने
वो स्वस्थ रहे और मेरी बेटी भी हमेशा खुश रहे और अच्छी खाती रहे। तो ये होने वाली माँ के लिए बनाया मैंने। हाँ, जब तू माँ बनने वाली होगी ना तो मैं तेरे लिए भी ऐसे लड्डू बना दूँ। अरे मम्मा, कैसी बातें कर रहे हो यार आप। अच्छा चलो ठीक है। कभी कभार आप पे इतना प्यार आता है ना, ऐसा लगता खा जाऊं, ऐसे काट के खा जाऊं। ठीक है चलो, अभी आपने मुझे बोला है कि ये लड्डू मेरे आने वाले क्यूटो क्यूटी के लिए है, इसलिए मैं नहीं खा रही अब। ना ही मैं ये लड्डू खाऊंगी, ना ही मैं किसी को खाने दूंगी। अब ये लड्डू सिर्फ और सिर्फ दी खाएंगी। ओके बस उसी के लिए तो बनाए। चलो, अरे जान की आंटी चलो ना, कितना हाथ मुंह धोगे यार, लेट्स गो। अच्छा सुन, एक काम कर, तू जाके ऑटो रोक, मैं आती हूँ। जानकी ताला लगा के बाहर आ जा जल्दी। तेनु समझ नहीं आया तो सुन, इसका मतलब ये है कि जरूरी नहीं जो बुरा दिखे वो बुरा ही हो। लेकिन तेरे मामले में ऐसा कुछ नहीं है, तू बुरी थी और बुरी है। तू साड़ी प्रीता से नफरत करती थी और आज भी करती है। मतलब? मतलब क्या, बड़ी अनजान बन रही है हा? जैसे तेनु कुछ पता ही नहीं है। तुझे क्या लगता है मैं कोई पागल शेर नहीं हूँ जो यहाँ के ऐसे ही दहाड़े मार रही हूँ। तेनु सब पता है कि तूने जो नीच काम किया है ना वो मैनु पता है। How dare you? हिम्मत कैसे हुई शालिन से इस तरह से बात करने की? जानकी जी आखिर बात क्या है, साफ साफ बताइए, हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। जानकी आराम से बात कर, बता क्या बात है, बोल। लेकिन दादी मैंने कुछ नहीं किया। जानकी आंटी मैं तो आपसे मिली भी नहीं, तो आप मुझ पे इल्जाम क्यों लगा रहे हो, क्यों ऐसी बातें कर रहे हो? वाह व्हाट ड्रामेबाज, तेनु कुछ पता ही नहीं है। सृष्टि तू बोल रही है या नहीं? तू चुप रहेगी तो देख मैं बोल दूंगी। मैं बता रही हूँ वो एक्चुअली कल रात को जब वो गॉड सृष्टि, तू अभी तक कल रात की बात में अटकी हुई। पिता तू बीच में ना बोल, सृष्टि को बोलने दे। प्रीता मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ये लोग किस बारे में बात कर रहे हैं? कोई कुछ नहीं बता रहा है, कम से कम तू तो बता दे कि बात क्या है। बहन जी यहाँ कोई छोटी मोटी गड़बड़ नहीं हुई है, बहुत कटिया काम किया है इस शर्लिन ने, और वो भी इस कार में प्रीता के साथ अपनी। मैंने समीर और सृष्टि की बात सुन ली थी। सृष्टि तू तो शेरनी है ना, कोई बुरा करे तो तू उसको सबक सिखाने वालों में से है। चुप क्यों है पुत्र, और तेरी प्रीता का सवाल है और तेरी बहन है वो, क्यों चुप है? हो गॉड जानकी, घुमा फिरा के बातें क्यों कर रही हो, साफ साफ बोलो बात क्या है। जानकी जी आप इतनी देर से इतनी बातें बोल रही हो लेकिन हमारी समझ में तो कुछ आ ही नहीं रहा, प्रॉब्लम क्या हुई है, साफ साफ बताइए ना। गलत फहमी हो गई थी मेरे और प्रीता के बीच में। आई एम रियली सॉरी प्रीता, मैं तुमसे ऑलरेडी माफी मांग चुकी हूँ, प्लीज मुझे एक और चांस दे दो। शर्लिन तुम प्रीता को सॉरी क्यों कह रही हो? जानकी जी बात क्या हुई है आप ठीक से बताइए ना। अगर सैमी तुम बताओ क्या बात हुई है? चाची वो एक्चुअली कल रात से शर्लिन बहुत बहुत अपसेट थी। ओ अपसेट थी, इसका क्या मतलब है? वो कुछ भी कर सकती है, कोई भी कठिया काम कर सकती है। पिता पुत्र आज तू सबको सच बता दे, कुछ नहीं होगा पुत्र, वाहेगुरु साडे नाल है, कुछ नहीं होने देंगे। मैं सीख रही हूँ, जेकर कोई मेरे से चंगी तरीके से रहेगा ना तो मेरे मुंह से अमृत वाणी निकलेगी, और जेकर कोई मेरे से बुरा करेगा ना तो मेरे कृपाण निकलेगी, पता है ना तनु? जान क्या नहीं? कोई बात नहीं हुई है ऐसी, आप जाने दीजिए ना, छोड़िए मैं ठीक हूँ, सब ठीक है, छोटी बात है, आपस की बात है, आप भूल जाइए, प्लीज जाने दीजिए। नहीं
मैं चुप नहीं रहूंगी, मैं आज शर्लिन का सच बता के रहूंगी। शर्लिन इस घर की फटी बहू है ना, तो इसको पिता का ख्याल रखना चाहिए था, लेकिन इसने तो लेकिन उसे ऑर्डर नहीं देना चाहिए था। वो एक्चुअली राखियान जी, मुझे पिता जी ने कहा था और आपने भी उस दिन कहा था ना कि अब से शर्लिन घर के सारे काम संभालेगी और दी सिर्फ आराम करेगी, लेकिन फिर भी शर्लिन दी को ऑर्डर देती रहती है, तो ऐसा तो नहीं चलेगा ना। बस इतनी सी बात है, ट्राई का पहाड़ बना देती है। जानकी आंटी आप यहाँ पर आएगी, आपको इतनी सी बात समझ में नहीं आती जानकी। शर्लिन के बारे में किसी को आप कुछ नहीं बताओगे, आपको मेरी कसम, सारे परेशान हो जाएंगे। खाली पकड़ प्लीज क्यों कर रहे हो? पता नहीं यहाँ पे क्या चोर चपट्टा है, मेरे तो कुछ समझ भी नहीं आ रहा। अब मैं यहाँ दो मिनट नहीं रुकूंगी, मैं जा रही हूँ। जानकी, प्रेगनेंसी किट होती है ना, वो तो 99.9% करेक्ट होती है, उसमें हमेशा करेक्ट रिजल्ट ही आता है। यस 99.9%, पर 0.1% का क्या प्रीता? यू आर राइट कि प्रेगनेंसी किट मोस्टली करेक्ट होती है, बट योर केस इज वेरी रेयर। तुम्हारा किट कंफर्मेशन भी गलत है। जब तुम मेरे पास आई थी और तुमने मुझे कहा था कि तुम प्रेग्नेंट हो, तो आई वॉज हैविंग डाउट, इट्स टू अर्ली, इतना जल्दी कैसे पॉसिबल हो सकता है? पर बिना चेक किए मैं कैसे बता सकती हूँ? इसीलिए मैंने तुम्हारे मल्टीपल टेस्ट करवाए, चेकअप्स भी करवाए, अल्ट्रासाउंड, यूरिन टेस्ट, ब्लड टेस्ट भी करवाया कि तुम्हारा HCG लेवल चेक करने के लिए। प्रीता, आई विश कि तुम्हारी कन्फर्मेशन सही होती, बट आई एम सो सॉरी टू से कि मेरा डाउट सही निकला। ये सारी रिपोर्ट्स ही प्रूफ कर रही हैं कि तुम प्रेग्नेंट नहीं हो। एक सेकेंड, आई डोंट अंडरस्टैंड। मैं आपको बता रही हूँ ना कि मेरी दाई माँ ने भी मुझे मतलब टेस्ट किया था। वो बहुत पुरानी लेडी है, इस फील्ड में बहुत एक तजुर्बा है उन्हें। उन्होंने मेरी पलकें उठाकर भी देखा और उन्होंने सबको बताया कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। आई थिंक देयर इज सम मिस्टेक समवेयर। प्रीता, तुम खुद एक डॉक्टर हो, एक एक्सपीरियंस्ड फिजियोथेरेपिस्ट, मेडिकल साइंस में बिलीव करने वाली। ऑफ कोर्स, हाउ कैन यू से कि दाइमा ने तुम्हारी पलकें उठाकर देख ली और उन्होंने तुम्हारी प्रेगनेंसी कंफर्म कर ली? आई मीन दाइमा ने पलकें उठाकर देख लिया एंड हाउ कैन शी डिक्लेयर कि तुम्हारी कोख में जुड़वा बच्चे हैं? डॉक्टर स्वाति, आप मेरी बात नहीं समझ रही। आई डोंट गेट इट। मैंने प्रेगनेंसी किट में टेस्ट किया है, दाइमा ने सबको बताया है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। उन्होंने आज तक जितनी भी प्रेगनेंसीज अनाउंस करी हैं सब बताया, तो वो हमेशा प्रेग्नेंट ही होते हैं, तो मेरे केस में ऐसा कैसे हो सकता है? मैं कैसे प्रेग्नेंट नहीं हो सकती हूँ? अच्छा एक मिनट, आप मेरी बात सुनिए। ऐसा भी तो हो सकता है कि मैं इस वक्त कुछ स्ट्रेस में हूँ या क्या, मेरी रिपोर्ट्स ठीक नहीं आई हूँ। हम एक बार और करा लेते हैं सारी रिपोर्ट्स, हो सकता है कुछ गड़बड़ हो गई हो। प्रीता, रिपोर्ट्स में कोई गड़बड़ नहीं है, मैंने सारी रिपोर्ट्स अपने पर्सनल ऑब्जर्वेशन में करवाई हैं। रिपोर्ट्स गलत नहीं है प्रीता। लेकिन प्लीज अंडरस्टैंड प्रीता, आई नो कि तुम्हारी दाइमा के इससे पहले की सारी अनाउंसमेंट्स, फैमिली के सारी अनाउंसमेंट सही होंगी, है ना? पर इस बार वो गलत हैं। आई मीन उनकी अनाउंसमेंट या उनका चेकअप, व्हाटएवर, गलत है। मुझे पता है प्रीता कि ये सुन के तुम्हारा दिल टूटा है, तुम्हारे सपने टूटे हैं, तुम्हारी उम्मीदें भी टूटी हैं। पर मैंने तुम्हारे मल्टीपल चेकअप्स करवाए हैं। रिपोर्ट्स तो मैंने प्रेगनेंसी चेक करने के लिए करवाए थे, पर उनमें एक और बात पता चली है। तुम्हारे केस में फर्टिलिटी कॉम्प्लिकेशंस हैं प्रीता, तुम्हारी कोख बहुत कमजोर है, उसमें बच्चा ठहर ही नहीं सकता। तुम कभी मां नहीं बन सकती प्रीता।
हो रहा है? काला धागा बांधू ताकि किसी की भी बुरी नजर इससे ना लगे। थैंक यू वेरी मच। हम सब वो इतनी बड़ी खुशी देने के लिए। करे तुझे और तेरे होने वाले बच्चे को किसी की नजर ना लगे। तुम्हें याद है ना मैंने तुमसे क्या कहा था? बोलो। तुम्हें उस नक्कटी डायन शर्लिन पे नजर रखनी है, और हाँ गलती से भी उस शर्लिन को प्रीता दी के आसपास भटकने भी मत देना, और इससे पहले कि वो भटके तुम दी के आसपास भटक जाना। समझ में आई तुम्हें बात? सृष्टि तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो, मैं प्रीता भाभी का अच्छे से ख्याल रखूंगा और उस शर्लिन पे भी नजर रखूंगा, डोंट वरी। यस प्रॉमिस। ओके ओके बाय बाय। गणपति बप्पा। माता रानी मेरे परिवार पे मेहर रखना और सबको खुश रखना। हाँ तो मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि मैं बहुत खुश हूँ इस शादी पे जाके, दिल से जा रही हूँ, और पता है एक एक रस्म को मैं बहुत खुशी से इंजॉय करूंगी, और मैं चाहती हूँ आप लोग सब भी बहुत खुश रहो। अरे अट्टा देखो, मैं ये चाहती हूँ नो नेगेटिविटी, नो शिकायत, नो आंसू, नो उदासी, नो टाइम पास। ओके कृतिका, नो शिकायत करीना, नो काम चोरी शर्लिन, एंड नो काम 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 काम। ओके सिर्फ खुशियां ही खुशियां। मैं तो बहुत खुश हूँ, मैं चाहती हूँ हर चेहरे पे खुशी हो, हर कमरे में खुशी हो, हम ये शादी बहुत खुशी से एंजॉय करें। और देखो ना प्रीता ने हमें कितना अच्छा तोहफा दिया, हमें कितना खुश किया, तो हम कैसे अपसेट हो सकते हैं? हो सकते हैं क्या प्रीता? खुशियों ने हमारे घर पे उसी दिन दस्तक दी थी मम्मी जी, जब प्रीता ने हमें इतनी बड़ी खुशखबरी दी थी। देखिए तो सबके चेहरे पे कितनी खुशी है, कितने हैप्पी हैं। बस ऐसे ही लेट लतीफ, ये क्या आप लोगों ने आरती कर ली, नारियल भी फोड़ लिया, क्या जादू? आप लोगों ने मुझे बुलाया भी नहीं, मुझे मिस भी नहीं किया, मैं अब मैं दूंगा ही नहीं किसी को, किसी को नहीं दूंगा। नो नेगेटिविटी समीर, नो शिकायत, ओनली हैप्पीनेस। ओके दादी ओके। चलिए अब जल्दी से चलते हैं, रात होने से पहले लुनावला पहुंचना भी तो है। और मैंने ड्राइवर से कह दिया है कि वो बस थोड़ा सा स्लो चलाए। क्यों बेटा, माँ बनने वाली ना, स्लो ही चलेगी। प्रीता के बारे में तो सोच। प्रीता भाभी ये फूल मैं माता रानी के मंदिर से लाया हूँ, ये आपकी और आपके होने वाले बच्चे की रक्षा करेंगे। रक्षा तो ऐसे बोले जैसे रास्ते में भूत मिलने वाले हैं, मैं हूं ना भाभी की रक्षा करने के लिए। चलिए चलिए अब चलते हैं, देर हो गई है पहुंचना। चलो चलो चलो। एक सेकंड गाइस गाइस गाइस, ग्रुप सेल्फी प्लीज। कम ऑन कम ऑन, ये पकड़ पकड़ पकड़। मैं पकड़ू? ले
Let's go, guys. Chalo. Three cheers for first picnic. Can you believe? Girish ne mujhe phone kiya. Ye kehne ke liye ki main Preeta ka khyal rakhu. हाँ तो ठीक है ना, बेचारा प्यार करता है प्रीता से, सब लोग चाहते हैं उसे, इट्स ओके। पर भाई अभी तो निकले हैं। हाँ तो ठीक है, चिंता होती है, इसमें क्या है? यही सही मौका है, सब लोग साथ में, मुझे सबको बता देना चाहिए। वो जो नहीं नहीं महेश पापा, ड्राइवर की कोई गलती नहीं है, वो मैं ही चलती बस में खड़ी हो गई। तुम ठीक हो ना बेटा? भाई इतनी टेंशन मत लीजिए, प्रीता बिल्कुल ठीक है। ओके प्रीता, बेटा बेटा ऐसी गलती मत करना। भाई इतनी मुश्किल से कमरे से बाहर निकले हैं, 3 महीनों तक डिप्रेशन में थे। तुम्हारी प्रेगनेंसी की न्यूज सुन के कितने खुश हैं। भगवान ना करे अगर कुछ भी गलत हो गया तो भाई बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, सदमे में चले जाएंगे। बेटा प्लीज अपना ध्यान रखा करो, और अगर किसी चीज की जरूरत हो ना तो मुझसे कहना, मैं हूं ना। क्या वैसे सोनाक्षी, तो डिनर शिनर भी खत्म हो गया लेकिन रजत कहीं दिखाई नहीं दे रहा। एक मिनट, कहीं ऐसा तो नहीं वो तुम्हें छोड़ के भाग गया हो? समीर क्यों परेशान कर रहे हो सोनाक्षी को? बुआ मैं तो वैसे मजाक कर रहा था, सॉरी। कोई बात नहीं बुआ, इन्हें जितनी बदमाशी करनी है ना करने दीजिए। एक बार मैंने प्रीता को इनकी कंप्लेन की ना तो वो इनकी ऐसी क्लास लेगी कि ये सीधा लाइन पे आ जाएंगे, है ना प्रीता? पुत्र क्या बात है, कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं प्रीता, पुत्र बैठे बैठे थक गई होगी, जा कमरे में आराम कर। चलो हम प्रीता को कमरे में छोड़। हाँ, मैं भी आती हूँ। अरे मैं ले जाऊंगा। अरे अरे भाभी, पर हे गाइस लुक हूज हियर। अरे रजत, महेश जी, ये रजत और ये उसकी फैमिली, उसके चाचा जी, उसके सुल्तान, उसकी मदर। अच्छा बाय द वे महेश जी, हाय महेश जी। और रजत तुम तो करण को जानते ही हो। पापा मैं करण और उसकी पूरी फैमिली को जानता हूँ, क्रिकेट मैगजीन में इनके आर्टिकल से पढ़ता रहता हूँ। आफ्टर ऑल दी करण लूथरा फैमिली है। करण मैंने सोना से कितनी बार कहा कि मुझे तुमसे मिला दे, मैं तुम्हारा सबसे बड़ा फैन, लाइक द डाई हार्ट फैन। कैन आई हग यू? किस्मत तो तेरी खुल गई है ना, लकी तू है, तुझे इतना अच्छा लड़का मिल गया, इतना स्मार्ट हैंडसम एंड ऑल। ओके गाइस, आप लोग अपना फैन मोमेंट एंजॉय कीजिए, तब तक मैं महेश जी और श्रीकांत जी उस तरफ चलते हैं, आइए प्लीज कम। ओके बेटा तुम और सोना बातें करो, हम आते। करण मैंने एक बार नहीं कई बार सोना से कहा है कि मुझे तुमसे मिला दे, लेकिन ये हर बार कोई ना कोई बहाना करके टाल देती है। हाँ तो अगर तुम्हें मैं पहले ही करण लूथरा से मिलवा देती ना तो उसे अपना एक और डाई हार्ट फैन मिल जाता, तो फिर तो ये और ही हवा में उड़ जाता, है ना प्रीता? जस्ट जेलस। ओके ओ आई एम नॉट जेलस। Can I serve it to my star? Yeah, thank you. तुम्हें पता है रजत, इसकी ना किस्मत ही चमक पड़ी है जो इसे प्रीता जैसी इंटेलिजेंट लड़की मिली है, जिसने दुनिया के सारे प्रिंस चार्मिंग्स को छोड़कर इसे चुना है।
अरे वाह वाह वाह, भाई की लाइन भाई पे ही छेपती, बहुत बढ़िया। थैंक यू भाभी। आई ओके? आप थकी हुई लग रही हैं, छोड़ के आऊं आपको रूम में, आराम करेंगे? वैसे तो मैं ठीक हूँ, आई एम नॉट टायर्ड और एनीथिंग। भाभी आई कैन सी इट ऑन योर फेस, थकान दिख रही है आपके चेहरे पे, आप चलिए आराम कीजिए, मैं छोड़ के आती हूँ। हाँ प्रीता चलो, मैं तुम्हें रूम तक छोड़ आती हूँ। चलो तुम मुझे छोड़ कर आओगी? हाँ। ये सोनाक्षी भी ना कुछ सृष्टि की याद दिला रही है, बिना सोचे समझे कुछ भी करने लगती हूँ। रजत आया है, तुम उसके साथ खड़ी रहो ना, मुझे क्या, रूम तो यही है, मैं खुद चली जाऊंगी। मैं छोड़ के आता हूँ। करण मैं चली जाऊंगी, इसमें छोड़ने की क्या बात है, वैसे भी मुझे लगता है कि तुम चले जाओगे तो ये दोनों आपस में बात ही नहीं करेंगे। भाभी कुछ चाहिए होगा तो बोलना प्लीज। अपना ध्यान रखना, एंड बाय द वे मैं तो ना तुम्हारी फैन ही हो गई हूँ पूरी तरह से। यू आर रियली स्वीट। मतलब सेलिब्रिटी मैं हूँ और फैन इसकी बन रही है तू? ऑब्वियसली प्रीता यू आर ग्रेट। मतलब तुमने इस फ्लर्टी बॉय को, जिसे देख के कभी लगता ही नहीं था कि वो कभी सुधरेगा, अरे तुमने इसे सुधार दिया, तुमने इसे प्यार करना सिखा दिया। मतलब मुझे तो ना पूरी तरह से ट्रेनिंग चाहिए तुमसे, एक अच्छी वाइफ बनने की और एक अच्छी माँ बनने की। यू के? हाँ यू गाइस कैरी ऑन, ध्यान रखना। प्रीता की आंखों में फिर से आंसू, कुछ तो है इसके दिल में जो सबसे छिपा रही है, पर क्या? प्रीता तुम सोई नहीं अभी तक, तुम तो कह फिर से आंखों में आंसू, क्या हुआ? हाँ मूड स्विंग अगेन, मॉम ने सब बता दिया मुझे, तुम्हारे सामने ही कह रही थी ना लड़कियों को प्रेगनेंसी में मूड स्विंग्स होते हैं। आई अंडरस्टैंड, आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड, और मैं कोई कंप्लेन नहीं कर रहा हूं, बस ना एक रिक्वेस्ट है, स्माइल ऑलवेज। वास्तविक प्रीता सबसे अच्छी लगती है, रोती भी नहीं, लेकिन मुझे पता है तुम कहोगी कि ये तो खुशी के आंसू में, राइट? आई नो, लेकिन खुशी के आंसू में भी पता नहीं क्यों एक अजीब सी उदासी है। कुछ छुपा तो नहीं रही हूँ ना, वही गाना भी है, क्या गम है जिसको छुपा रही। या अब तुम रोगी ना तो मैं भी रो पड़ूंगा फिर, मैंने प्रॉमिस किया था ना कि हर चीज में तुम्हारा साथ दूंगा, तो प्लीज डोंट क्राई। अच्छा एक डील करते हैं आज से, अगले 9 महीने तक क्यों, हमेशा के लिए, तुम जब भी खुश होगी ना सिर्फ हंसोगी, क्या कहते हैं वो लोग खुशी में पागल हो जाते हैं, हंसते हैं, तो आज से तुम भी खुशी में रोगी नहीं सिर्फ हंसोगी, मेरे लिए, हम सब के लिए, प्रॉमिस। मैं प्रेग्नेंट। आई एम सो सॉरी। अरे इट्स ओके, आजा। करण मुझे कुछ बात करनी थी। हाँ बोलना, हाँ बैठ, कम सिट, बोलोगे? यार कैसे कहूं, किन लफ्जों में कहूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। क्यों तो मेरी और सोनाक्षी की शादी हो रही है, लेकिन हम एक दूसरे के बारे में कुछ भी नहीं जानते। आई मीन यू नो, नाम, क्वालिफिकेशन, कॉलेज का नाम, ये सब तो पता है। क्यों मैं चाहता था कि मेरी लव मैरिज हो, एक परफेक्ट मैरिज जहां पे बहुत सारा प्यार हो, शादी करने की डेस्पिरेशन हो, एक पैशन हो, यू नो बिल्कुल मेड फॉर ईच अदर, जैसे तुम दोनों, जस्ट मेड फॉर ईच अदर। तुझे पता है मैं ये नजर वगैरह में बिलीव नहीं करता, लेकिन अब लगता है हम दोनों को काला टीका लगाना पड़ेगा, अब तो इसने भी कह दिया वी आर परफेक्ट फॉर ईच अदर। लगा ही लो, और काला टीका मैं ले आता हूं, लेकिन मुझे तुमसे एक हेल्प चाहिए। बोलो। मैं सोनाक्षी के बारे में सब कुछ जानना चाहता हूँ, प्लीज मुझे बताओ कि मैं उसका दिल कैसे जीतूं। यार देखो मेरे पास इतना टाइम नहीं है, कल मेहंदी है, परसों शादी, मेरे पास सिर्फ 2 दिन है यार। बस इतनी सी बात है, बोलो मैं अभी।
अभी तो मैं थोड़ा सा थका हुआ हूँ, तो कल करते हैं। क्या आज रात को हम उसके बारे में सब कुछ जान सकते हैं? आई मीन वो क्या करती है, उसे क्या पसंद है, उसकी लाइकिंग्स क्या है, उसकी हॉबीज क्या है? आज रात को प्लीज। आज सो जाते हैं, मतलब तू अपने कमरे में, मैं अपने कमरे में, कल करते हैं। राजा तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, शादी से पहले सोनाक्षी और तुम्हें एक दूसरे को सिर्फ जानना पहचानना ही नहीं चाहिए, एक दूसरे से प्यार भी होना चाहिए। दो लोगों में प्यार हो और फिर शादी हो तो उसकी बात ही और होती है। और करण, तुम्हें रजत की हर मायने में हेल्प करनी चाहिए। तुम ये चाहती हो? हाँ मैं चाहती हूँ। ओके चल तो चले। थैंक यू सो मच। लो मम्मी जी, आ गया आपका लाडला। क्या हुआ गर्लफ्रेंड, आप नाराज हो कि आजकल मैं आपको टेंशन ज्यादा नहीं देता, पीता को देता हूँ? बिल्कुल भी नहीं, मुझे तू टेंशन ना दे, बट प्रीता का ख्याल रख, दैट्स इट। जो ये बिल्कुल नहीं रख रहा है मम्मी जी, ये प्रीता के साथ ही रजत के साथ घूम रहा था। नहीं घूम रहा था ना, डेड के कर रहा है, घूम रहा था नहीं घूम रहा था। लेकिन लेकिन क्या, लेकिन किंतु परंतु बट कुछ नहीं, तो घूम रहा था मतलब घूम रहा था, खत्म हो गई बात। आप इनकी बातें मत सुनो, ये यहाँ मेरी डांट लगवाने आया। डांट? बेटा डांट तो मैं तेरे को वहीं देता बाहर रजत के सामने, लेकिन मैंने सोचा कि दूसरों के सामने तेरी इज्जत क्यों खराब करूं। भाई अब शादीशुदा हो चुका है, बड़ा हो गया है, तो तेरे को डांटना बनता नहीं, लेकिन जो तू कर रहा है ना बेटा वो ठीक नहीं कर रहा। तू प्रीता का ख्याल बिल्कुल नहीं रखता, उसको छोड़ छोड़ के तू बाहर घूम रहा है, शर्म नहीं आती तुझे? देख बॉयफ्रेंड, तूने गलती की, इसकी सजा तो मिलेगी। 10 बार उठक बैठक कर, कम ऑन। यस चलो उठो। गर्लफ्रेंड ने बोला बेटा, गर्लफ्रेंड ने। श्योर ज्यादा टाइम नहीं, 100 कर दूंगी, चल। अरे सारे घर की लाइट जली हुई, किसी को चिंता नहीं है, इस घर का बिजली का बिल कितना भी बढ़ जाए मैं बैठी हूँ ना, ये सृष्टि के कपड़े ना हर तरफ दिखाई दे। सृष्टि सृष्टि, मैंने कहा भी था उसे कि अपने कपड़े संभाल के अलमारी में रख दे, लेकिन यहाँ वाले कपड़े समेटने के लिए मैं अलग से जाऊंगी ना उसे न्योता देने, मैं भी तय नहीं करूंगी, उसको ही जाके बोलूंगी तय करने को। देख अगर तुझे लगता है ना कि तू सो गई है और सोने का नाटक करेगी और मैं तुझे बिस्तर से उठाकर यहाँ पर कपड़े तय करने के लिए नहीं बुलाऊंगी, तो ऐसा कुछ नहीं, मैं तुझे बिस्तर से उठाऊंगी और ये कपड़े तय करवा के ना अलमारी में लगवाऊंगी। समझ में नहीं आता ये लड़की कब पड़ी होगी, इतने उसके काम करते करते ना मैं तो थक गई। रुक मैं आती। सृष्टि सो भी नहीं रही, कहां चली गई ये लड़की? बाथरूम में बैठकर मोबाइल पर बातें कर रही होगी। सृष्टि मुझे पता है तू बाथरूम के अंदर है, क्योंकि अगर तू सोई नहीं हुई है ना तो बाथरूम में बैठ के या तो तू फोन देख रही होगी या फिर किसी से बातें कर रही होगी फोन पर। देख सुन, अगर तू बाहर नहीं आएगी ना तो ये मत सोचना कि मैं जाकर सो जाऊंगी, मैं यहीं खड़ी रहूंगी, तेरे बाहर आने का इंतजार करती रहूंगी, और फिर अगर मेरी तबीयत खराब होगी ना तो मैं प्रीता से कह दूंगी कि तेरी वजह से मैं सारी रात यहीं खड़ी रही, फिर मुझे मत बोलना कि दीदी को शिकायत करते रहते हो। जल्दी बाहर आ, सुन रही है सृष्टि? दरवाजा तो खुला हुआ, सृष्टि भी अंदर नहीं, सारी लाइटें जली हुई हैं, सो भी नहीं रही है, बाथरूम में भी कोई नहीं है, जानकी भी दिखाई नहीं दे रही, मतलब कहाँ चले गए लोग? कुछ भी करते रहते हैं ना, बस मुझे टेंशन देते रहते। मम्मा कितनी गंदी लिखाई है, समझ में नहीं आ रहा क्या लिखा है। मम्मा मैं घर छोड़कर जा रही हूं अपने प्यार के लिए।
ये भी इतनी गंदी लिखाई है। बहन जी मैं सृष्टि को रोकने जा रही हूँ। मजा आ गया जानकी, मजा आ गया। अब तक तो मम्मा ने पूरे घर में मुझे ढूंढ लिया होगा और ढूंढ ढूंढ के बेचारी परेशान हो गई होगी कि मैं बिना बोले कहाँ चली गई। वैसे मैं सोच रही हूँ कि सोच सोच के मम्मा की सोच प्रीता जी तक पहुँची होगी और उसके बाद खुदी को फोन लगा देंगी ये पूछने के लिए कि सृष्टि उनके पास है या नहीं। लेकिन आपको पता है जैसे ही उदी को फोन लगाएंगे ना उनका टेंशन फुर्र हो जाएगा क्योंकि तब तक हम दी के पास खुद ही पहुंच जाएंगे। और उससे भी बड़ा मजा तब आएगा जब वो मेरे खत देखेंगी। खत देखेंगी क्या? खत? कौन से खत जानकी आंटी? कैसे खत? कौन से खत? अरे सृष्टि मैं ना तेरे को बताना भूल गई, मैं जो अंग्रेजी पिक्चर देख रही थी ना उसमें ना एक छोटा सा लड़का ना अपना कार छोड़ते वक्त ना एक खत छोड़ के जाता है कि मैं जा रहा हूँ। तो मैंने सोचा मैं भी लिख दूँ, तू तो बड़ी हो गई है, जवान हो गई है, इसलिए ना मैंने तेरी तरफ से ना घुमा फिरा के ना एक लव लेटर छोड़ा। लव लेटर? जान की आंटी आप क्या बोल रही है, लव लेटर क्या लिखा है उस खत में? अरे डर नहीं, मैंने कोई अकेले तेरे को सूली पे नहीं चढ़ाया, मैं एक और खत छोड़ के आई हूँ उम्मीद का कि ना मैं सृष्टि को ढूंढने जा रही हूँ तो सल्ला पेंची को ना राहत मिलेगी और मेरी भी इज्जत बनी रहेगी। वाह 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 जानकी आंटी, खुद की इज्जत बना ली और मेरी बिगाड़ दी, वेरी गुड। एक मिनट, वो दोनों लेटर आपने ही लिखे है ना जानकी आंटी? फिर तो आप गई, क्योंकि मम्मा वो खत पढ़ते ही समझ जाएंगी कि वो खत आपने लिखे हैं, क्योंकि आपकी जो टेढ़ी मेढ़ी जिगजैग वाली हैंड राइटिंग है ना वो देख के मम्मा समझ जाएंगी कि वो आपने लिखे। तुम दोनों इतने अच्छे हो कि भगवान तेरी को जरूर करेगा। लेकिन मैं जानती हूँ, मेरा दिल जानता है कि मेरी बच्ची से अच्छी माँ इस दुनिया में और कोई नहीं हो सकती, इसलिए भगवान तेरी को जरूर बचाएगा। क्या हुआ? प्रीता चुप कर रही हूँ। सृष्टि टेंशन में क्यों है? जानकी आंटी वो टेंशन में क्यों ना हो, मैंने माँ को तो बोल दिया कि करण जीजू ने हमें इनवाइट किया है, लेकिन अगर उन्होंने करण जीजू को फोन करके पूछ लिया तो कर लेने थे। अरे डोंट वरी, वो जो करण है ना वो बोल देगा कि ना मैंने सृष्टि को इनवाइट किया था। जानकी आंटी करण जीजू ने मुझे कुछ इनवाइट नहीं किया था, मैंने फोर्सफुली खुद को इनवाइट कर लिया। अच्छा, इसका मतलब है तूने उसको ब्लैकमेल किया? अरे यार जानकी आंटी मैं ऑलरेडी टेंशन में हूँ, आप और मुझे टेंशन दे रही है, मुझे माँ का टेंशन हो रखा है अभी तो। तेरी माँ को अगर जरा भी शक हो गया ना तो उसने ना हमें टोल समझ के बुझा देना है। थैंक यू जानकी आंटी, ऑलरेडी मुझे स्ट्रेस है, आप मुझे और स्ट्रेस दे रहे हो, मैं तो फोन कर ही लेती हूँ। तो किसको लगा रही है? माँ को फोन कर रही हूँ, फोन करके पूछ तो लेती हूँ कि उन्होंने करण जी से बात की भी है नहीं, अगर बात की है तो मेरा आधा स्ट्रेस तो यही कम हो जाएगा ना कि उनको शायद पता चल गया या नहीं पता चला, मतलब मुझे पता तो चलेगा कि उनको पता चला है या नहीं। भगवान जी प्लीज बचा ले। क्यों है जानकी आंटी, माँ का फोन तो बिजी आ रहा है, एक और बार ट्राई करती हूँ। जानकी आंटी मुझे बहुत टेंशन हो रही है, कहीं मम्मा करण जीजू से तो नहीं बात कर रहे? नहीं नहीं, तेरे को पैम हो रहा है,
जान देना, जो होगा देखा जाएगा। चल एंजॉय कर, एंजॉय। तो ऐसा तो नहीं कि मेरी और प्रीता की बातें करण ने सुन ली? नहीं भगवान जी, करण को कुछ भी इस तरीके से पता नहीं चलना चाहिए। अगर उसे कुछ भी ऐसा पता चला ना तो वो टूट जाएगा। कितने सपने सजाए उसने। नहीं, ऐसा मत करना। करण ने कुछ भी ना सुना हो बस। प्रीता क्या हुआ? देखो ये मत बोलना कि ये खुशी क्या सुना। मैं जानता हूँ ऐसा नहीं है, कोई बात है रहे। तो मम्मी से क्या बात करी थी जो तुम इतना रो रही हो? क्या हुआ? बताओ मुझे, बताओ क्या हुआ? प्रीता मेरा दिल बैठा जाता, बोलो ना क्या हुआ, बोलो। वो माँ ने कुछ ऐसा बताया कि वो कुछ घर में प्रॉब्लम हो गई, इसलिए तुम्हें बताना कि आजकल मैं बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो गई हूँ, इसलिए मुझे ज्यादा रोना आ गया। घर की प्रॉब्लम है और कुछ नहीं है। मामा, आज से एक नया रूल है, आप मेरी वाइफ को बिल्कुल परेशान नहीं करेंगे। ओके, आपकी बेटी का मेरी वाइफ ज्यादा इस वक्त, ठीक है? कोई ऐसी न्यूज, कोई ऐसी बात नहीं करेंगे जिससे प्रीता को स्ट्रेस। ओके, प्लीज, इट्स अ रिक्वेस्ट। और मैं हूं ना आपका बेटा, 24/7 ड्यूटी पर है प्रीता का ध्यान रखने के लिए, ताकि प्रीता की आंख में एक प्यास सुना है। ओके मामा। वो सृष्टि है ना, वो यहाँ पर एक कागज पे क्लिक के चली गई कि वो भाग रही है, बस इसीलिए प्रीता से। मामा वो एक्चुअली सृष्टि कहीं भागी नहीं है, वो यहाँ रही रौनकला। मैंने बस सोचा कि प्रीता के लिए अच्छा सरप्राइज हो जाएगा, खुश हो जाएगी। फिक्र मत कीजिए, मैं उसको बोल दूंगा कि सृष्टि मिल गई है, घर की बारी। आइए गाइस, सेकंड सॉन्ग की रिहर्सल करते हैं। आइए कम साउंड। तू मेरे वाल तक दी रवे, ना मेरी तेरे तो नजर हट दी। मैं तेरा ब्लड गोरी, तू बैकबोन जट दी। मैं हो गया दीवाना बलिए, तू हो किस दाई फिर दी। कर दिया गंदा उते नी, मेरे पोस्टर लाई फिर दी। दस तेरे बिना समझूगी, फीलिंग है कौन जट दी। मैं तेरा ब्लड गोरी, तू बैक बोन जट दी। दस तेरे बिना समझूगी, फीलिंग हाई कौन जट दी। मैं तेरा अब ब्लड गोरिए, तू बैक बोन जट दी। नी तू वेख दी तजा, हले हुई शुरुआत, तेरे पिछे की करदा। नी मैं तेरे लिए कमावा पैसा, तेरे ते उड़ावा पैसा, बेबी मेरा जी करदा। नी तू वेख दी तजा, हले हुई शुरुआत, तेरे पिछे की करदा। नी मैं तेरे लिए कमावा पैसा, तेरे ते उड़ावा पैसा, बेबी मेरा जी करदा। आप तो तू मर जानी है, कदे भी नहीं कुछ मंगदी। मोर से प्लान कर ली, मैं तेरे लिए ब्लैक रख दी। मैं भी तेनू खुश रखदा, तू ही जानी खुश रख दी। मैं तेरा ब्लड गोरिए, तू बैकबोन जट दी। मैं तेरा ब्लड गोरिए, तू बैकबोन जट दी। दस तेरे बिना समझूगी, फीलिंग हाई कौन जट दी। मैं तेरा ब्लड गोरिए, तू बैकबोन जट दी। प्रीता,
क्या हुआ राखी माँ, आप गुस्सा हैं? प्रीता तू यहाँ क्या कर रही है? मैंने तुझे कितनी बार समझाया है कि ऐसी हालत में आराम किया करते हैं, और तू यहाँ वहाँ घूम रही है। ये तेरे लिए और होने वाले बच्चे की सेहत के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है पुत्र, तू मेरी बात क्यों नहीं मान रही? राखी माँ अब सारा दिन आराम करूंगी तो मुझे ऐसा लगने लगेगा कि मैं बीमार हूँ, और ऐसा लगने लगेगा तो कहीं बीमार हो ही ना जाऊँ। आपको तो पता है सबके साथ बैठ के मुझे अच्छा लगता है। And mom, it's just the first weekend. She's a strong girl, huh? Hi, Rakhi aunty. Shishti, तुम? पुत्र तुम कब आई? मैं जानकी से भी आई हूँ। जानकी जी ये कहिए कि अब हम सब साथ में हैं, बहुत मजा आएगा। अरे राखी आंटी आपके इमोशंस क्या झट से चेंज हो गए, अभी आप दी से गुस्सा थे। सॉरी आंटी, मैंने राखी आंटी को याद दिला दिया कि वो आपसे गुस्सा है। एक्चुअली क्या है ना राखी आंटी, मुझे ना सृष्टि को चारों तरफ से डांटी ही पड़ती रहती है। अब मैं पहली बार देख रही हूँ कि दी को कोई डांट रहा है, तो मुझे बड़ा मजा आ गया। अच्छा ठीक है, तो तुम मजे ले, मैं किचन में जाती हूँ, मुझे दादी के लिए काढ़ा बनाना है। अरे शेफ बना देगा ना? शेफ को नहीं पता है ना लौंग इलायची अदरक कितनी डालनी है, मुझे पता है दादी मेरे हाथ का काढ़ा ही पीती है। मैं जाती हूँ। शांति आंटी अपना रूम का नंबर क्या है भाई, बता दो। हम दो, हमारा पाँच। दो और पाँच 25 है क्या? और नहीं पाँच। अरे हाँ तो चिल्ला क्यों रहे हो यार, चलो फ्रेश होना है। क्यों कर रहे हो ऐसा? प्लीज ये शादी हो जाने दो प्लीज। अच्छा भाभी आपको पता भी है ये शादी हो जाने का मतलब क्या है? अरे श्रीकांत प्लीज, श्रीकांत मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, मिन्नतें करती हूँ, अपना मुंह बंद रखो, कुछ मत बोलो प्लीज। लोग ऐसी दबी आवाज में तभी बात करते हैं जब कोई राज की बात करते हैं, और नहीं चाहते कि उनका राज किसी को पता चले। देखो शिका, जो बातें हवाओं को भी नहीं पता है ना, उसे हवाओं में ही रहने दो। दबी हुई चिंगारी को हवा मत दो तुम, समझ रहे हो? अपना मुंह बंद रखो प्लीज। भाभी अभी ये राज मत खोलो। आप मेरी बात को समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रही हो? चल ऐसी क्या बात है जो हवाओं को भी नहीं पता, जो दबी हुई चिंगारी जैसी है, जो राज है और किसी को पता नहीं चलना चाहिए। परफेक्ट, अब जब प्रीता काढ़ा बनाने आएगी ना तो काढ़ा तो नहीं बना पाएगी लेकिन जल जरूर जाएगी, मतलब जो ब्लास्ट होगा उसमें वो मरेगी नहीं, थोड़ी सी जलेगी। फिर क्या होगा, लूथरस डॉक्टर को बुलाएंगे, और जैसे ही डॉक्टर आएगा उसे चेक करेगा तो लूथरस बोलेंगे बच्चा कैसे, बच्चे को तो कुछ हुआ, बच्चे का ध्यान रखना। डॉक्टर बोलेगा कौन सा बच्चा, प्रीता तो प्रेग्नेंट ही नहीं है। और उसके बाद पूरा लूथरा परिवार प्रीता को धिक्कारेगा कि उसे इतना बड़ा झूठ क्यों बोला सबसे। ओह गॉड, यहाँ पे तो बहुत स्मेल आ रही गैस की, अब क्या करूं? प्रीता तो आधी समझ जाएगी कि गैस लीक हो रही है, क्या करूं? ए फ्रेशना, परफेक्ट, एयर फ्रेशनर की स्मेल से ना गैस की स्मेल थोड़ी दब जाएगी और प्रीता को बिल्कुल पता नहीं चलेगा। ओह गॉड शर्लिन, जल्दी चल, तो प्रीता आती होगी। सैम सैम सैम, हाँ हाँ हाँ, गुस्सा गुस्सा शांत हो गया। कौन सा गुस्सा, कैसा गुस्सा? ओह वो अनन्य वाला गुस्सा, इसमें गुस्सा होने वाली क्या बात है? इट्स अ फ्री वर्ल्ड, कोई भी कुछ भी कर सकता है, मैं कौन होती हूँ किसी को कुछ बोलने वाली, यू नो गुस्सा करना बनता ही नहीं है। मैं एक मिनट, मैं यहाँ पे कोई नॉनसेंस टॉक करने नहीं आई हूँ, मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात बोलने आई हूँ तुम्हें। फिर बता दो वो इंपॉर्टेंट बात क्या है। सैमी, यहाँ है ना बहुत बड़ी गड़बड़ चल रही है। गड़बड़ चल रही है मतलब क्या गड़बड़? कोने में चलो बताती हूँ। अरे चलो मैं ये मेहंदी के डिजाइन प्रीता को दिखाती हूँ, वही बताएगी कि कौन से लगाने। सोनाक्षी, हाँ
कहाँ जा रही हो? किचन में. प्रीता से मिलने? हाँ, ये मेहंदी के डिजाइन सिखाने थे उसे. लेकिन प्रीता नहीं है वहाँ पर. अरे नहीं नहीं, वहाँ पर बहुत सारे लोग होंगे ना, तो तुम्हारी नजर नहीं पड़ी होगी. वो वहीं गई है, उसे काढ़ा बनाना था. मैं उससे मिलती हूँ. सोनाक्षी, किचन में कोई भी नहीं है. सारे वेटर्स को नीचे बुला लिया ना ये बताने के लिए कि किसको कहाँ क्या सर्व करना है. मेहंदी शुरू होने वाली है ना. अच्छा चलो, बट अब यहाँ तक आई गई हूँ तो एक बार चेक कर लेती हूँ, क्या पता मिल जाए, है ना. हेलो हेलो, यहाँ नेटवर्क ही नहीं आता है. किचन एरिया है ना, तुम्हारे फोन में नेटवर्क आ रहा है क्या? चेक करो. नहीं सॉरी, एक अर्जेंट कॉल करना है. मैं पहले फोन कर लेती हूँ फिर जाती हूँ. परफेक्ट. ये लोग बिना कभी भी मुंह उठा के कहीं भी चले आते हैं. मैं काम करती हूँ, यहीं छिप जाती हूँ, सो दैट कोई भी किचन में अगर गया तो मुझे पता चल जाएगा और मैं उसे रोक लूंगी. किचन में सिर्फ प्रीता को जाना है. हाँ, इसको टेबल पर ठीक से लगाना, नीट लगना चाहिए. ये फ्लावर्स ठीक लग रहे क्या? वो यहाँ थोड़ी लग रहा है ये. अनन्या हाय, यहाँ पर किचन कहाँ है? आपको कुछ चाहिए मैम? मैं ले आऊँ? नहीं नहीं, आई विल मैनेज, मुझे खुद ही काम है. किस तरफ किचन है बस ये बता दीजिए. वही पर है. ओके थैंक यू. हेलो, यहाँ तो कोई है ही नहीं. कोई होता तो कम से कम बता देता कि मसाले कहाँ रखे. बार बार ही पड़े. पैन, प्रीता आज किचन में तुम क्या कुछ बनाओ? मैंने ही तुम्हारे लिए बहुत कुछ बना रखा है, अब आएगा मजा. अब होगा ब्लास्ट. द काउंटडाउन बिगिंस नाउ. 1 2 हाँ सोना बोलो. ये सोनाक्षी को भी अभी फोन करना था. मेरे पूरे प्लान की प्राण बचा दी इसने. हाँ प्रीता, प्रीता कहाँ हो तुम? तुम्हें पता है पहले तो मेरे हाथ में सिर्फ ये मेहंदी के डिजाइन की बुकलेट थी. मुझे तुमसे पूछना था कि कौन सा डिजाइन लगाऊं, लेकिन अब तो मेरे हाथ में ये मेहंदी की ड्रेसेस और साथ में ये मेहंदी की डिजाइन की बुकलेट भी है. मुझे तुमसे पूछना है कि कौन सी ड्रेस पहनूं और कौन सा डिजाइन लगाऊं. कहाँ हो तुम? इतनी टेंशन मत लो, मैं इधर किचन में ही हूँ. तुम किचन में आ जाओ, यहाँ मुझे दिखा दो, मैं यहीं से बता दूंगी तुम्हें कौन सा करो. ठीक है? किचन में हो? हाँ किचन में हूँ, जल्दी आ जाओ. ओके मैं आती हूँ. शॉलिन ने कहा कि वहाँ पर कोई नहीं है और प्रीता कह रही है कि वो किचन में है. बहुत कंफ्यूजन है. एनीवे प्रीता, आई एम कमिंग. प्रीता, गॉड, ये कैसे हो गया? आई थिंक गैस. अरे तुम फास्ट में जाओ. चलो किचन से बाहर निकलो. प्रीता तुम ठीक हो ना? हाँ मैं ठीक हूँ, लेकिन इतनी ज्यादा आग, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा सोना. मुझे समझ में नहीं आ रहा इतनी ज्यादा आग कैसे लग गई. एक ही तो स्टोव ऑन करा था मैंने. प्रीता डोंट माइंड, पर आई थिंक कोई जानबूझकर तुम्हें चोट पहुंचाने की कोशिश कर रहा है. व्हाट? मुझे कौन चोट पहुंचाने की कोशिश करेगा? मिली मिली नहीं, मैं तो सब चेक कर लिया, पूरा रिजॉर्ट चेक कर लिया, कहीं पर भी नहीं है. सर कैसे हो सकता है? मैंने उसे यहीं देखा था, वो आदमी शर्लिन को खींच के लेके जा रहा था. हो सकता है वो किसी कार में उसे यहाँ से ले गया. मैंने बाहर देखा, वहाँ भी नहीं थी. हुआ, पुलिस को फोन करो. मैं पुलिस को फोन करती. शर्लिन को कोई क्यों किडनैप करे? हर जगह तुम लोग यहाँ हो. फंक्शन फंक्शन ही नहीं लग रहा, घर वाले कहाँ हैं? और जिसकी मेहंदी है वो कहाँ है? वो एक्चुअली शर्लिन. अरे आगे प्रीता. अरे आराम से धीरे धीरे. सॉरी क्या हुआ? क्या हुआ प्रीता? हल्का सा. मैं बताती हूँ.
वो एक्चुअली मैं अपने मेहंदी के डिजाइन और ड्रेसेस चूज करवाने के लिए प्रीता को ढूंढ रही थी, तो ढूंढते ढूंढते मैं किचन तक पहुंची। वहाँ किचन से मैंने शर्लिन को बाहर निकलते हुए देखा एंड आई वाज सो सरप्राइज कि किचन में कोई भी नहीं था, कोई शेफ नहीं, कोई वेटर नहीं, और ये तो शादी वाला घर है ना, वहाँ पर कोई भी नहीं था। लेकिन जब प्रीता वहाँ पर पहुंची तो वहाँ पर गैस लीक होने के कारण आग लग गई। व्हाट? आग लग गई? हाँ ठीक दादी, आग थोड़ी थी, ज्यादा नहीं थी। लेकिन सोचिए, अगर गलती से भी आग ज्यादा होती तो किचन की सारी दीवारें जल के राख हो जाती, ये रिजॉर्ट जल के राख हो जाता, और प्रीता? अगर प्रीता को कुछ, बट लकीली गैस लीकेज थोड़ा ही था, ज्यादा नहीं था, और उसी वक्त मैं किचन में दोबारा आ गई और मैंने प्रीता को किचन से बाहर खींच लिया। तो थोड़ी सी चोट आई है, ज्यादा नहीं है, मैंने ऑइंटमेंट लगा दिया और ये हादसा बस थोड़ी देर ही पहले हुआ। पर सोचने वाली बात ये है कि जब मैं प्रीता को किचन से बाहर खींच रही थी तो मैंने शर्लिन को वहां पर मिरर में खड़े हुए देखा। वो मेरे पीछे ही खड़ी थी, लेकिन वो हमारी हेल्प करने नहीं आई। उसे एटलीस्ट हेल्प करने तो आना चाहिए था ना, लेकिन वो इनफैक्ट वहां से चली गई। ऐसा कैसे कर सकती है वो? मुझे लगता है कि ये जो भी गड़बड़ हुई है ना किचन में, उसमें जरूर शर्लिन का ही हाथ है। इम्पॉसिबल, ऐसा हो ही नहीं सकता। शर्लिन ऐसा कैसे कर सकती है? तुम्हारे फियांसे ने देखा कि शर्लिन का किडनैप हुआ है। क्या किडनैप? रजत ने किसी को देखा शर्लिन को खींच के ले जाते हुए। ऐसा नहीं हो सकता है, मैं कह रही हूँ ना कि मैंने वहाँ पर शर्लिन को खड़े देखा है किचन के पास। हम उसके रूम में चलते हैं, वो वहीं पर मिलेगी। चलिए सोनाक्षी, वो अपने रूम में कैसे हो सकती है? मैंने अपनी आंखों से देखा था, वो आदमी उसे खींच के लेके जा रहा था। एक मिनट रजत, हो सकता है कोई तुम्हें गलत फहमी हुई हो। हाँ? अरे लेकिन मेरी बात तो सुन। एक मिनट, शर्लिन कहीं पर भी हो या ना, उसे क्या फर्क पड़ता है? इम्पोर्टेंट बात यह है कि वो दो जगह एक साथ कैसे हो सकती है। इसने उसे किचन के बाहर देखा, इसने देखा कोई खींच के उसे बाहर लेकर जा रहा है। एक काम करते हैं, दोबारा से उसके रूम में चल के चेक करते हैं। Oh my God, शर्लिन, शर्लिन, क्या हो रहा है? शर्लिन, 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 ये किसने किया? शर्लिन, 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 आंखें खोलो बेटा। अरे करीना, हाथ तो खोल उसके। हाँ शर्लिन, आंखें खोलो शर्लिन। ये कैसे हो सकता है? पुत्र, तुम्हारी ये हालत किसने की? थैंक गॉड आप लोग आ गए। ये सब कैसे हो गया शर्लिन? तुम यहाँ, तुम्हें किसने बांधा? बेहोश कैसे हो गए? ये सब कौन करके गया है? शर्लिन, पहले तुम ये बताओ कि तुमने वो किचन वाला एक्सीडेंट क्यों किया? सोनाक्षी, रजत प्लीज, मैं जो कर रही हूँ सही कर रही हूँ, और मैं ऐसी तो बिल्कुल नहीं हूँ कि कोई माहौल या कोई रिश्ता मुझे आकर प्रेशराइज कर दे, या फिर कोई देखी हुई सिचुएशन मुझे मिसगाइड कर दे। एक्सीडेंट? मैं बताता हूँ प्रीता को आग में क्यों फंसाया। आग? एक्सीडेंट? हेलो, हेलो गिरीश, तुमने प्रीता को कॉल किया था? एक्चुअली थोड़ी बिजी है, वो तुमसे बात नहीं कर सकती। शायद उसकी रिपोर्ट आई है कोई हॉस्पिटल से। हाँ शरण भाभी, आई है। प्रीता चाहती है कि वो रिपोर्ट तुम यहाँ पर भेज दो, लोनावला, जहाँ पे हम रह रहे हैं। ठीक है, भेज देता हूँ। अच्छा सुनो, मैं तुम्हें लोनावला का एड्रेस मैसेज कर रही हूँ, और साथ में कोरियर सर्विस का भी मैसेज एड्रेस कर रही हूँ। उसी कोरियर सर्विस से भेजना, वो क्या 24 आवर्स काम करती ना, तो रिपोर्ट जल्दी से आ जाएगी। और हाँ, मैं तुम्हें पैसे भी ट्रांसफर कर देती हूँ, ठीक है? नहीं नहीं भाभी, पैसे मेरे पास हैं, जब आप आएंगे तब दे देना। ओके ठीक है, रिपोर्ट जल्दी से भेज देना। ओके भाभी। अब ये रिपोर्ट बताएगी कि प्रीता का सच क्या है, और अगर मेरा शक सही निकला ना, मैं प्रीता को खून के आंसू रुलवाऊंगी।
ही मुंह दिखाने लायक भी रहेगी वो। क्या बात है बेबी, बहुत खुश लग रही हो तुम तो। ऐसा लग रहा जैसे तुम्हारे हाथ कोई बहुत बड़ा जैकपॉट लग गया है। हाँ बेबी, मेरे हाथ में जैकपॉट लग गया है। क्या? रीता प्रेग्नेंट नहीं है और ये सबूत मेरे हाथ में लग गया है। What? तुम्हें पता है मैं कब से करीना वो को बोल रही थी कि प्रीता प्रेग्नेंट नहीं है, प्रीता प्रेग्नेंट नहीं है, लेकिन नहीं, उन्हें तो ख्वाब में भी बच्चा 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 दिख रहा था। अब मैं इन सब के ख्वाब तोड़ने जा रही हूँ। रिपोर्ट मंगा लिया मैंने, जल्द मेरे हाथ लग जाएगी। Fantastic, mind blowing. तुम क्यों इतने खुश हो रहे हो कि प्रीता प्रेग्नेंट नहीं है? अरे तुम समझने की कोशिश करो, न्यूज ही ऐसी है, ये बहुत बड़ी गुड न्यूज है। गुड न्यूज छोड़ो, ब्लॉकबस्टर न्यूज है। जरा सोचो बेबी, ये न्यूज जैसे लूथरस तक पहुंचेगी वो सब कैसे रिएक्ट करेंगे? लूथरस छोड़ो, वो करण लूथरा, वो गिल्ली डंडा प्लेयर कैसे रिएक्ट करेगा? सोचो, वो बहुत धुआंधार रिएक्शन देगा और उसके बाद रीता जी को डिवोर्स दे देगा। डिवोर्स लेना देना आसान हो जाएगा। उसे क्या है ना बीबी, जब बच्चा हो जाता है ना, पति और पत्नी ना चाहते हुए भी उन दोनों को एक साथ रहना पड़ता है, जोर जबरदस्ती से, मजबूरी की वजह से। लेकिन यहाँ पे तो कोई बच्चा आने नहीं वाला। जब बच्चा नहीं आएगा वो गिल्ली डंडा प्लेयर एकदम अग्रेसिवली रिएक्ट करेगा। उस गिल्ली डंडा प्लेयर का धुआंधार रिएक्शन देकर प्रीता जी उसे डिवोर्स दे देंगे, क्योंकि प्रीता जी है ही ऐसी ना, एकदम स्वाभिमानी। उनके स्वाभिमान को ठेस पहुंचेगा। उसके बाद ऑप्शन बचता ही क्या है? सिर्फ डिवोर्स का। तुम प्रीता को बहुत अच्छे से जानते हो। प्रीता अगर इतनी स्वाभिमानी है, इतनी अच्छी है कि अगर उसे कोई भी कुछ भी कहेगा तो प्रीता डिवोर्स दे देगी। किसके लिए? तुम्हारे लिए। जब भी प्रीता की लाइफ में कुछ भी गड़बड़ होती है तुम्हें लगता है कि प्रीता करण को छोड़ दे और वो तुम्हारी झोली में आकर गिर जाए। नहीं है ऐसा कुछ। ऐसा ही है। तुम ना पृथ्वी, निहायती बकवास, गंदे नीच इंसान हो। तुम्हें अगर लाइफ में कभी भी ऑप्शन मिले या मिला भी होगा ना कि मेरे और प्रीता के बीच में किसी को चूज करो, तो तुम हमेशा प्रीता को ही चूज करते हो। बस बहुत हो गया, मैं जो करूंगा सो करूंगा, मैं जो भी करूंगा वो छोड़ो। अरे तुम अपना डिसाइड करो ना यार, कोई भी एक सौतन चूज करो, कभी प्रीता जी कभी कृतिका। क्या तुम जो भी करो करो। तुमने कृतिका से शादी की इसलिए तुम्हारी वो बीवी है और मेरी सौतन, लेकिन प्रीता वो तो हर वक्त तुम्हारे दिल में रहती है, हर वक्त तुम उसी के सपने देखते हो, ये सोचते कि तुम्हारी जिंदगी में कैसे आ जाए, तुम उसके लिए क्या करो। मुझे कुछ समझ में नहीं आता तुम प्रीता के बारे में इतना सोचते क्यों हो। गलत फहमी है तुम्हारी, बहुत बड़ी गलत फहमी है। अच्छा? तुम हमेशा मुझे गलत समझती हो, जानती हो उसके बावजूद अनजान बनती हो कि मेरे दिल में सिर्फ और सिर्फ तुम रहती हो। उसके बावजूद बेबी, अगर मैं चाहता ना तुम्हारा प्लान सक्सेसफुल होने देता, वही प्लान जिसमें तुम प्रीता जी के साथ साथ उनके बच्चे को मारना चाहती थी, मैंने तुम्हारा प्लान सक्सेसफुल नहीं होने दिया। जानती हो क्यों? क्योंकि मैं तुम्हें बचाना चाहता था। मुझे? हाँ तुम्हें, क्योंकि तुम अच्छे से जानती हो कि अगर तुम गलती से भी प्रीता जी के बच्चे को मार देती ना, उसके बाद तुम्हारे साथ क्या होता, तुम्हें बहुत गिल्टी फील होता। बाद में गिल्टी फील हुआ भी था तुम्हें, क्योंकि मैं तुम्हें अच्छे से जानता हूँ बेबी। शुड बी थैंकफुल टू मी। सिर्फ इतना ही नहीं, उसके बाद तुमने मेरे साथ फोन पे ब्रेकअप कर दिया था जब मैं दुबई में था। कर दिया था ना, वो तो राइट टाइम पे मैं यहाँ आया तुम्हारी मदद करने के लिए। एक बार फिर से मैंने तुम्हारी मदद की, किचन में आग लगा रही थी ना तुम। एक मिनट, पूरी बात सुन लो, आज मैं बोलूंगा और तुम सुनोगे। किचन में आग लगा रही थी ना, सोनाक्षी ने देख लिया था तुम्हें, सबको जाके बता दिया था उसने, और सब उसकी बात पे विश्वास कर भी लेते हैं। मैंने बाजी पलटी, ऐसी सिचुएशन क्रिएट की जहां पे तुम बिचारी बन गई। सबको ये लगा कि तुम मुसीबत में हो, तुम किसी और के लिए मुसीबत कहां से खड़ी करोगी। हर बार बाजी पलट देता हूँ तुम्हारी, आज तक न जाने कितने पापड़ मिले, और तुम हमेशा मुझ पे उंगली उठाती हो। नहीं, बहुत हो गया, बहुत सह लिया मैंने, अब मैं बर्दाश्त नहीं करने वाला। बाय। नहीं छोड़, नहीं बताया मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ। आई एम रियली पॉसेसिव अबाउट यू। I can't share you with anyone. I really love you.
आई लव यू टू।